हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। तो एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल जो कि आप लोगों को टाइम टाइम पर बताता रहता है गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, उनके एग्ज़ाम्स के बारे में और उनकी तैयारी के बारे में। तो ऐसे ही एक न्यूज फिर से है UP SSC के बारे में। UP SSC ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है दोस्तों, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा। और साथ ही साथ परीक्षा कैलेंडर जारी करने के साथ इस बार एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आपकी नज़र गई होगी, आपने पहले से देखा होगा, तो उसमें एक ऐसा बदलाव है जो कि अब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसा कि लोग बोलते थे कि धीरे धीरे वैकेंसीज कम हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, उसी तरीके का एक बदलाव है कि लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें एक बदलाव देखने को मिला है। अभी तक ऐसा कुछ भी स्पेशली नहीं बोला गया है, लेकिन उस कैलेंडर को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लोअर पीसीएस में बदलाव हुआ है। अब पहले जैसी बात नहीं रही है, UP SSC में भी अब टफ बढ़ गया है। यह है दोस्तों परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC 8 जुलाई को जो इन्होंने रिलीज किया है, उसके अनुसार वर्ष 2019 के आगामी 6 महीने जुलाई से लेकर के दिसंबर तक आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाएं हैं, जिसका अर्धवार्षिक कैलेंडर है जो आपके सामने है। इसमें आप देखिए दोस्तों, कुछ जो नंबर 2 से मैं आपको बताता हूं, गन्ना पर्यवेक्षक सामान्य चयन परीक्षा 2016 का 31 अगस्त 2019 को है, और यहां पर है लोअर पीसीएस। तो लोअर पीसीएस, इसको मैं बाद में बताऊँगा। आगे की जो परीक्षाएँ हैं वो आप देखिए, होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक सम्मिलित तकनीकी सेवा, कंप्यूटर ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, उसके बाद आगे की जो परीक्षाएं हैं वो आप देख रहे हैं, दिसंबर 24 दिसंबर तक है। अभी बात देखने वाली है पॉइंट नंबर 3 में, आप ध्यान दें कि लोअर पीसीएस में इस बार ऐड किया गया है प्रारंभिक। प्रारंभिक से मतलब क्या होता है? प्री। तो प्री होगा तो वहां पर मेंस ज़रूर होगा, तो ये चीज़ इस बार से ऐड की गई है। आपने ध्यान दिया होगा 14 और 15 सितंबर 2019 को जो आयोजित होने वाली परीक्षा है लोअर पीसीएस सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019, तो अभी इस बार उसका पहले प्री होगा। तो प्री होगा यानी कि अब ईजी नहीं है, पहले आपको प्री पास करना होगा जैसे कि बाकी एग्जाम्स में होता है, उसके बाद आपका मेंस होगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए, प्री होगा तो मेंस भी होगा, ठीक है। ओनली एक ही तैयारी पहले की तरह मत कीजिए, पैटर्न बदल गया है तो तैयारी करने का तरीका भी बदल दीजिए। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती प्रॉब्लम कर जाती है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, फिर आपकी मेहनत किस डायरेक्शन में लग रही है वो चीज़ आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो आप लोगों को दोस्तों दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए आप लोग एग्ज़ाम फीवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।